जितने भी लवर्स हैं, कपल्स हैं, उन सब के लिए आज की कविता मैंने लिखी है। उनके रिश्ते के लिए मैं ये कविता उन्हें डेडिकेट करना चाहूँगी। तो शुरू करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। वो मेरी कुछ बातों को हंसी में ले जाता है, वो मेरी कुछ बातों को हंसी में ले जाता है, कहना मैं कुछ और चाहती हूँ वो कुछ और समझ जाता है, कहना तो मैं कुछ और चाहती हूँ पर वो कुछ और समझ जाता है, बस इन्हीं छोटी बातों पर मुझे गुस्सा आ जाता है। जब मुझे गुस्सा आ जाता है ना तो वो मुझे मनाता है और ना ही हंसाता है, ना तो वो मुझे कभी मनाता है और ना ही हंसाता है, अजीब लड़का है वो, उल्टा खुद रूठ जाता है, अजीब लड़का है वो, उल्टा खुद रूठ जाता है, बस फिर मैं ही उसे मनाती हूँ और प्यार से समझाती हूँ, मैं ही उसे मनाती हूँ और प्यार से समझाती हूँ, बस इसी मनाने समझाने में मैं खुद का गुस्सा भूल जाती हूँ, बस इसी समझाने मनाने में मैं खुद का गुस्सा भूल जाती हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ी मैं अजीब हूँ और थोड़ा वो अजीब है, मुझे लगता है कि थोड़ी मैं भी अजीब हूँ और थोड़ा वो भी अजीब है, बस इसीलिए हमारा रिश्ता थोड़ा अलग है। हम जितना एक दूसरे से लड़ते हैं ना, उससे कई ज़्यादा एक दूसरे को समझते भी हैं। हम जितना एक दूसरे से लड़ते हैं ना, उससे कई ज़्यादा हम एक दूसरे को समझते भी हैं। हमारी दोस्ती ऐसी है जो कभी तोड़े ना टूटे, और साथ ऐसा जो कभी छोड़े ना छूटे। ये खुशनसीबी है कि हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे हम सफ़र भी। कभी वो मुझे द सोशल हाउस वाली लड़की कहकर चिढ़ाता है, कभी वो मुझे द सोशल हाउस वाली लड़की कहकर चिढ़ाता है, तो कभी मैं उसे मंडी हाउस वाला लड़का कहकर चिढ़ाती हूँ। मंडी हाउस एक जगह है, तो वो कुछ काम वाम का थिएटर वगैरह होता है वहाँ पे, तो हम भी चढ़ाते हैं, हम कम नहीं हैं। तो कभी वो मुझे द सोशल हाउस वाली लड़की कहकर चिढ़ाता है, तो कभी मैं उसे मंडी हाउस वाला लड़का कहकर चिढ़ाती हूँ। वो हमेशा लेट आता है और एक मैं हूँ जो टाइम से पहले पहुँच जाती हूँ। वो ज़्यादातर लेट ही आता है और एक मैं हूँ जो टाइम से पहले पहुँच जाती हूँ। उसे हमेशा अपनी ईगो को थोड़ा सा हाई रखना होता है, उसे हमेशा अपनी ईगो को थोड़ा सा हाई रखना होता है, और एक मैं हूँ जो कोशिश तो पूरी करती हूँ पर फिर भी हार जाती हूँ। एक मैं हूँ जो कोशिश तो पूरी करती हूँ पर फिर भी हार जाती हूँ, पर अगर सच बताऊँ ना तो उस हारने में एक अलग मज़ा है, उस हारने में भी एक अलग मज़ा है। हमें लड़ने की कोई वजह नहीं चाहिए, हमें लड़ने की कोई वजह नहीं ढूंढनी पड़ती, बस मन होना चाहिए, फिर तो महाभारत का युद्ध शुरू होता है, जो आखिर में ये बोलकर समाप्त किया जाता है, अच्छा चलो तुम जीती, अरे नहीं नहीं तुम जीते। और आपको पता है जीतता कौन है? हमारा प्यार, दरअसल हमारा अजीब सा प्यार। शुक्रिया। खराब से खराब वक्त भी ना उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, खराब से खराब वक्त भी ना मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि वो मेरे जज्बातों की कद्र करता है, वो मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि वो मेरे जज्बातों की कद्र करता है। मैं कितना भी खुद में उलझी क्यों ना रहूं, मैं कितना भी खुद में उलझी क्यों ना रहूं, वो मुझे अच्छे से समझता है, वो मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि वो मेरे जज्बातों की कद्र करता है। शुक्रिया। अभी आपको जो मैंने ये कविता सुनाई, उस कविता के ज़रिए मैंने एक रिश्ता दर्शाया है आपके सामने, तो उस रिश्ते को लेकर मेरे कुछ विचार हैं, उनको मैंने कुछ पंक्तियों में समेटा है, तो मैं वो पेश करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी एक किताब है, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी एक किताब है जिसका एक पन्ना वो और उससे अगला पन्ना मैं हूँ, जिसका एक पन्ना वो और उससे अगला पन्ना मैं हूँ, और हमारी किस्मत वो स्याही है जो हमारा किस्सा लिख रही है, और हमारा प्यार कलम है जो उस किस्से को किताब के पन्नों पर रच रही है, और ये दिल, इसे पूरा विश्वास है कि ये किस्सा एक दिन ज़रूर पूरा होगा। शुक्रिया।